बात करें स्पेस स्टोन की, तो स्पेस स्टोन 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक है जो स्पेस एलिमेंट को दर्शाता है। एमसीयू की अभी तक की टाइमलाइन में ये स्पेस स्टोन काफ़ी लोगों के पास रहा है, जैसे हाइड्रा के जॉन स्मिथ, क्री एम्पायर के साइंटिस्ट डॉक्टर लॉसेन, स्कल्स और लोकी। एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के दौरान थेनोस ने टेसरेक्ट को तोड़ दिया और उसमें छुपे स्पेस स्टोन को अपनी इन्फिनिटी गॉन्टलेट में डाल दिया था। बाद में पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को आधा करने के बाद थेनोस ने स्पेस स्टोन को बाकी सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ नष्ट कर दिया ताकि उसका दोबारा कोई इस्तेमाल ना कर सके। तो इंतज़ार किस बात का, चलिए शुरू करते हैं। स्पेस स्टोन के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा स्टोन है जो पूरे यूनिवर्स में कभी भी कहीं भी अपने मालिक को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकता है। स्पेस स्टोन को एक कंटेनमेंट डिवाइस में रखा गया जिसे एमसीयू में टेसरेक्ट के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले ये स्पेस स्टोन ओडिन के पास था, पर जब उनको इनकी शक्तियों के बारे में पता चला तो उन्होंने ये सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को अलग अलग जगह रख दिया। स्पेस स्टोन को सन 965 एडी में नॉर्वे के टॉन्सबर्ग में रख दिया। पुराणिक कथाओं में इस टेसरेक्ट यानी स्पेस स्टोन को ज्वेल ऑफ ओडिन ट्रेजर्स कहा जाता था। अब सीधे आते हैं वर्ल्ड वॉर टू की तरफ, जहां 1942 में स्पेस स्टोन रेड स्कल यानी जॉन स्मिथ द्वारा दोबारा ढूंढा गया और बाद में टेसरेक्ट की शक्तियों से उन्होंने काफ़ी वेपन भी बनाए। 1945 में स्मिथ ने टेसरेक्ट की पावर से बॉम्ब्स और एयरक्राफ्ट बनाए जिसकी मदद से उसने यूएसए पर हमला करने की साजिश रची, पर ये साजिश पे वो नाकाम हुए क्योंकि कैप्टन अमेरिका ने उनके सारे नापाक इरादों पर पानी फेर दिया और वो टेसरेक्ट के एक्टिवेट होने की वजह से वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वॉलमेर पहुँच गया जहाँ अब वो सोल स्टोन के पास था। दूसरी तरफ टेसरेक्ट अब आर्टिक ओशन में कहीं गिर गया था जो कि बाद में हावर्ड स्टार्क द्वारा खोजा गया। हावर्ड स्टार्क ने टेसरेक्ट को शील्ड की मदद से खोजा और बाद में इस पर काफ़ी स्टडी भी करी, जहां उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर से उन्होंने एक नए एलिमेंट की खोज की, पर सारे साधन ना होने के कारण वो इसे कभी प्रूव नहीं कर पाए। बाद में इसी एलिमेंट के बारे में आयरन मैन 2 में टोनी स्टार्क को पता चला, जिसे उन्होंने अपने आर्क रिएक्टर में पैलेडियम को हटाकर रीडिज़ाइन करा। हावर्ड स्टार्क के गुजरने के बाद भी टेसरेक्ट शील्ड के पास ही रहा, पर बाद में प्रोजेक्ट पेगासस में ये स्टोन दे दिया गया ताकि इसके बारे में और खोज हो सके। अब ये स्पेस स्टोन सीधे डॉक्टर लॉसन के पास आ गया, जहां उन्होंने भी टेसरेक्ट पर काफ़ी रिसर्च करी और रिसर्च के दौरान उन्हें लाइट स्पीड इंजन का फॉर्मूला मिला जिससे वो स्क्रल्स की मदद करना चाहती थी। इसी दौरान जब डॉक्टर लॉसन प्लेन में कैरल डेनवर को खोज दिखाने निकलती है, तभी वहाँ योनरोग उनके प्लेन पर धावा बोल देता है। योनरोग ने लॉसन की हत्या कर दी। डेनवर ने टेसरेक्ट की शक्तियों को योनरोग के हाथों से दूर रखने के लिए लाइट स्पीड इंजन को नष्ट कर दिया, पर नष्ट करते वक्त उसके रेडिएशन से डेनवर उसकी सारी ऊर्जा सोख लेती है। बाद में योनरोग उसे किडनैप करके उसकी यादें मिटा देता है। ठीक 6 साल बाद कैरोल डेनवर को सारी सच्चाइयों के बारे में पता लगा और सब कुछ पता लगने के बाद वो डॉक्टर लॉसन की खुफिया लेबोरेटरी में पहुंच गई, जहां उन्हें फिर से टेसरेक्ट मिला, पर इस बार गूस और निक फ्यूरी की मदद से टेसरेक्ट वापस शील्ड के पास आ गया। अब आते हैं सीधे 2010 में, जहां प्रोजेक्ट पेगासस फिर से स्टार्ट किया ताकि टेसरेक्ट की शक्तियों से फिर एक बार वेपन्स बनाए जाएं। थॉर के धरती पर आने के बाद शील्ड ने डॉक्टर एरिक सेल्विक को हायर किया ताकि एलियन आर्टिफैक्ट्स पर स्टडी करके वो रिसर्च को एक नई दिशा पर ले जा सकें और पृथ्वी को एलियन के हमलों से सुरक्षित रख सकें। थॉर से हारने और एसगार्ड से बाहर निकलने के बाद लोकी ने अपने आप को थेनोस के सामने पाया, जहां उसे माइंड स्टोन और चितोरी आर्मी देकर पृथ्वी पर दोबारा भेजा गया ताकि वो वहां से टेसरेक्ट ला सके। लोकी ने सेल्विक और उसके जैसे कई लोगों को माइंड स्टोन से वश में कर लिया और बाद में सेल्विक ने टेसरेक्ट की मदद से वॉर्म होल खोल दिया जिससे कि चितोरी आर्मी अभी पृथ्वी पर आ गई। बाद में ब्लैक विडो ने लोकी के सेप्टर की मदद से वो वॉर्म होल को बंद कर दिया और पृथ्वी को चितोरी आर्मी के हमले से बचाया गया, जहां एवेंजर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा। अब टेसरेक्ट की सुरक्षा के खातिर थॉर टेसरेक्ट को लोकी के साथ एसगार्ड ले गया ताकि उसका सही से ख्याल रखा जा सके। एसगार्ड में पहुंचते ही थॉर ने टेसरेक्ट हेमडाल को सौंपा।
हेमडाल ने टेसरेक्ट की असीम शक्तियों से रेनबो ब्रिज को फिर से रिस्टोर किया और बाइफ्रोस्ट बनाया ताकि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाया जा सके। बाइफ्रोस्ट बनने के बाद टेसरेक्ट को दोबारा ओडिन के वॉल्ट में सुरक्षित रख दिया गया, पर 4 साल बाद जब हेला आज़ाद हुई तब उसने ओडिन के वॉल्ट में एटर्नल फ्लेम के सामने टेसरेक्ट को देखा और उस एटर्नल फ्लेम के सामने तुलना करते हुए टेसरेक्ट को नॉट बैड बोला। बाद में रैग्नारोक के टाइम पर जब एस्गार्ड तबाह हो रहा था तब लोकी ने चुपके से टेसरेक्ट अपने पास रख लिया, जिसके बारे में थॉर पूरी तरह से अनजान था। पर इन्फिनिटी स्टोन में आधे एस्गार्डियंस को मारने के बाद पावर स्टोन की मदद से थैनोस अब थॉर को टॉर्चर करता है और लोकी को धमकाते हुए थॉर को मारने की कोशिश करता है। अपने भाई की जान बचाने के खातिर लोकी थैनोस को टेसरेक्ट दे देता है। बाद में थैनोस लोकी को उसकी गद्दारी की वजह से मार देता है और टेसरेक्ट को तोड़कर स्पेस स्टोन अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट में डाल देता है। सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल करने के बाद वो स्नैप करता है और आधी पृथ्वी तबाह कर देता है और इसी के साथ ही सारे इन्फिनिटी स्टोन्स भी। पर बाद में एंड गेम में टाइम हाइस्ट के वक्त स्पेस स्टोन हमें फिर से दो बार दिखता है, एक बार सुकोविया की जंग 2012 जब वो नाकाम रहते हैं, वो का मतलब एवेंजर्स, और दूसरी बार जब वो 2012 से पास्ट में अप्रैल 7, 1970 की तरफ ट्रैवल करते हैं, जहां हम कैप्टन अमेरिका के प्लॉट में टोनी और स्टीव रॉजर्स को पाते हैं, जहां वो खूब सारे पिम पार्टिकल्स और स्पेस स्टोन यानी टेसरेक्ट दोनों को ही लेने आते हैं और प्रेजेंट में आने के बाद थैनोस को हरा देते हैं। तो ये थी कहानी स्पेस स्टोन की जर्नी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट लाइक, और अगर हमसे कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है रवि चंदोला और आप देख रहे हैं दी पैरेलल डायमेंशंस।